आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग में विंड एनर्जी के बारे में। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है, इसमें पढ़ेंगे हम विंड एनर्जी की डेफिनेशन, इसको कैसे बनाया जाता है, प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में, इसके क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं विंड एनर्जी की डेफिनेशन, विंड एनर्जी होता क्या है। हमारे पास ये लिखा हुआ है विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि ये रिन्यूएबल एनर्जी में आती है, ये रिन्यूएबल एनर्जी में आती है और ये सबसे फास्ट बनने वाली एनर्जी होती है। और इसका इसमें हम विंड का इस्तेमाल करके इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब विंड के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास विंड टरबाइन होती हैं, विंड टरबाइन को कनेक्ट करते हैं। विंड टरबाइन में एयर के मोशन के द्वारा ये रोटेशन करता है विंड टरबाइन, और विंड टरबाइन जब रोटेशन करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बनती है। उस काइनेटिक एनर्जी को जो कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो काइनेटिक एनर्जी के द्वारा इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा विंड एनर्जी का मेन वर्क होता, काम होता है। अब विंड एनर्जी की इसमें डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग विंड पावर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। विंड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी क्रिएटेड बाय एयर इन मोशन। दिस इज ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग विंड टर्बाइंस और विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स। इसी में ये भी आपको दिया हुआ, विंड एक को हम विंड एनर्जी को हम पवन ऊर्जा भी बोलते हैं हिंदी में। पवन ऊर्जा सबसे तेजी से बनने वाली अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में से एक है। हवा का उपयोग और गति में हवा के द्वारा बनाई गई गतिज ऊर्जा, जो कि हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है इसके द्वारा। और ये इसमें हम पवन टरबाइन, मतलब इसमें हम विंड टरबाइन या पवन ऊर्जा विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा हम इसमें विद्युत ऊर्जा को बनाया जाता है। और विंड एनर्जी में हमारे पास जो इसमें काइनेटिक एनर्जी बनती है, काइनेटिक एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसमें प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। अभी कैसे बनता है इसके बारे में हम देखेंगे। अब इसमें हमारे पास जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में हम दिखाएंगे आपको कि विंड एनर्जी को कैसे बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले इसमें हम एक विंड मिल लगाते हैं। विंड मिल में हम इसमें कुछ इसमें विंड टरबाइन लगाया जाता है। विंड टरबाइन हमारे पास इस टाइप से कनेक्ट होता है, ये आपको लगा हुआ है विंड टरबाइन। विंड टरबाइन में इसमें पंखे लगाया जाते हैं, फैन लगाया जाता है और इसको कनेक्ट किया जाता है जनरेटर में। विंड मिल को, ये विंड मिल जो तैयार होती है टरबाइन के द्वारा, ये विंड मिल लगाई जाती है। विंड मिल के को कनेक्ट होती है जनरेटर में और जनरेटर कनेक्ट होता है ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है कहाँ पर, नेशनल ग्रिड होती है, और नेशनल ग्रिड के होता है कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर में, और डिस्ट्रीब्यूटर से इलेक्ट्रिसिटी घर को होम में प्रोड्यूस होती है, होम में जाती है। अब इसमें बनती कैसी है इसको देखेंगे। क्या होता है, जब एयर का प्रेशर आता है, एयर का जब प्रेशर से एयर आती है, तो जो विंड की जो टरबाइन होती है, फैन होती हैं जो लगी होती हैं, इन फैन पर फोर्स पड़ता है। फोर्स पड़ने पर ये जो विंड के प्लेन वो होती हैं, वो क्या करते हैं, रोटेशन करती है, मूवमेंट में आती हैं। जब तो मूवमेंट में आती है तो मूवमेंट में आने पर हमारे पास इसमें इसमें क्या होता है, टरबाइन रोटेट करता है। टरबाइन के द्वारा इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी जो कि विंड मिल के द्वारा जनरेटर में जा करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किस में ले जाते हैं, जनरेटर के बाद ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में इसको स्टोर करते हैं, इकट्ठे ले जाते करते हैं। ट्रांसफार्मर के बाद इसको हम लोग कनेक्ट ले जाते हैं कहाँ पर, नेशनल ग्रिड में, जहाँ पर हाई पावर पर इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट करंट के द्वारा आता है। इसमें डीसी करंट को सप्लाई करते हैं जो कि नेशनल ग्रिड कहलाता है, नेशनल ग्रिड में आता है। और नेशनल ग्रिड को जो कनेक्ट किया जाता है वो रहता है डिस्ट्रीब्यूटर में। डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है, इसको एसी करंट में कन्वर्ट कर देते हैं, डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। और एसी करंट के बाद हम इसको इलेक्ट्रिसिटी टू होम, घर के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमारे पास जो दिया हुआ है ये है हमारे पास, इसको आपको देखना है। सबसे पहले विंड जो टरबाइन होता है, टरबाइन का जो प्लेट होती है उस पर एयर का प्रेशर आता है, एयर प्रेशर से ये टरबाइन का जो ये रोटेट करता है, और रोटेट करने पर हमारे पास इसमें बनती है काइनेटिक एनर्जी। टरबाइन में जो बनेगी, टरबाइन में क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी। इसमें एयर प्रेशर के कारण ये मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करने पर इसमें क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी बनती है।
काइनेटिक एनर्जी किस में बनती है, विंड मिल में। अब विंड मिल से काइनेटिक एनर्जी के द्वारा इसमें, काइनेटिक एनर्जी के द्वारा इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिसिटी जाती है हमारे पास जनरेटर के द्वारा। काइनेटिक एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, जनरेटर। जनरेटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रहेगा वो इसको स्टोर करेंगे ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर में जब स्टोर हो जाएगा, स्टोर करने के बाद उसको हम आगे पहुंचा देंगे कहाँ पर, नेशनल ग्रिड पर। नेशनल ग्रिड पर जाता है जहाँ पर हमारा जो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी होता है, डीसी को हम नेशनल ग्रिड में ले जाते हैं, और नेशनल ग्रिड के द्वारा उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते नेशनल ग्रिड डायरेक्ट करंट को, तो डायरेक्ट करंट को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर में ले जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में क्या करता है, डीसी करंट को वो एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है, अल्टरनेट करंट में सब कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि अल्टरनेट करंट को हमारे पास नेशनल जो नॉर्मल होते हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर के वर्क में, तो इलेक्ट्रिसिटी टू होम में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा होता है विंड पावर प्लांट, विंड में हम लोग इस टाइप से बनाते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विंड टर्बाइन, विंड टर्बाइन के कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। तो विंड टर्बाइन के मेनली दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, तो देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन। विंड टर्बाइन के मेनली दो प्रकार होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन और दूसरा होता है वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन वो होता है जो हॉरिजॉन्टल शेप पर हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन होता है। और वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन वो होता है जिसमें हमारे पास जो इम्पलर होती है, प्लेट फैन होती है, इम्पलर उसकी वर्टिकल एक्सिस में पोजिशन में हो, उसको वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन बोलेंगे। तो हमारे पास इसको हमने पढ़ा हुआ है, आज हमने पढ़ा है इसमें विंड एनर्जी क्या होता है, विंड एनर्जी को हम लोग कैसे बनाते हैं, विंड एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है, विंड एनर्जी को कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने के विंड टरबाइन के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। तो विंड टरबाइन के मेरे दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन, दूसरा वर्टिकल एक्सिस टरबाइन। तो इस टाइप से इसको विंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं।